नमस्कार साथियों, मैं आशीष मिश्रा छतरपुर जिले मध्य प्रदेश से आया हुआ हूँ कान्हा शांति वनम हैदराबाद। आज आपको कान्हा शांति वनम के यात्रा गार्डन में लेके चलते हैं, जहाँ आपको बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। तो यात्रा जो गार्डन है उसकी शुरुआत यहाँ से होती है, तो आपको पूरा गार्डन दिखाएंगे कि किस प्रकार से कितना ब्यूटीफुल तरीके से बनाया गया है। यहाँ पर लगभग 1600 एकड़ में ये फैला हुआ कैंपस, और हर एक पॉइंट की अपनी एक अलग विशेषता है। तो यात्रा गार्डन की हमारी यात्रा यहाँ से प्रारंभ होती है। जैसे ही आप यहाँ एंटर करेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा ये यात्रा गार्डन का एक लोगो। इस लोगो में सभी भाषाएं लैंग्वेज लिखी हुई है, कि अगर आप इसको स्कैन करेंगे तो इससे के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आइए चलते हैं, ये अपना यात्रा गार्डन का पहला लोगो मिलता है देखने के लिए। ये बहुत ही अच्छा लोगो है यात्रा गार्डन का। जैसे ही यात्रा गार्डन में प्रवेश करते हैं तो ये नारायण मुनि जी की आपको एक स्टैच्यू देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही शानदार बनी हुई है। अब इसके बाद ये लोगो दिखाइए किस प्रकार का लोगो है। चलते हैं अंदर की ओर। जैसे ही आप अंदर को प्रवेश करते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पर टू रूट जाने को मिलता है। एक रूट है अंदर साइड को, उस साइड को जाने के लिए, एक रूट है इस साइड से इस साइड के जाने के लिए। ये होता है एंटर, यानी यात्रा गार्डन में प्रवेश करने का द्वार, यहाँ से एंटर होते हैं। जैसे ही आप एंटर करते हैं तो यहाँ डिफरेंट टाइप्स फ्लावर्स मिलते हैं देखने के लिए। ये भी काफी प्रकार की वैरायटी है। ये भी ये जो अपने यहाँ रेड कलर में होता है, ये येलो कलर में यहाँ देखने को मिलेगा आपको। इस प्रकार से लगभग हजारों प्रकार की वैरायटी देखने को मिलेगी। जैसे कि अंदर आप एंटर करते हैं तो यहाँ कुछ नारियल के पेड़ हैं। नारियल के पेड़, आपने नारियल सुना होगा, पानी पिया होगा, आप आज यहाँ देख भी सकते हैं ये नारियल लगा हुआ है। पास में आइए, यहाँ दिखाइए, ये देखिए नारियल लगा हुआ है। यही नारियल आगे चल के बड़े होते हैं, काफी बड़े होते हैं, इनका पानी पीते हैं, और जब ये काफी लार्ज उसमें होते हैं तो ये जो पके फल और कच्चे फल के रूप में नारियल जो प्राप्त करते हैं वो यहीं से प्राप्त करते हैं। तो उसके बाद आप यहाँ दिखाइए कितना अच्छा ये लगा हुआ है। देखिए इसका नाम तो वैसे ज़्यादा चीज़ों का पता नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कितना सुंदर देखने में लग रहा है। यहाँ पर आपको लगभग हजारों प्रकार के इस प्रकार के फूल मिलेंगे जो देखने को आपको मिलेंगे। आइए चलते हैं अंदर की ओर। ये एक ऐसा डॉम एरिया है जहाँ पर सभी लोग ध्यान करते हैं, यहाँ ओम का उच्चारण अपना ध्यान लगाते हैं। ये बहुत ही शांत वातावरण यहाँ का रहता है। उसके बाद चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं क्या है यहाँ पर। हर एक पॉइंट की, यहाँ पर जितने भी पॉइंट बने हुए हैं, हर एक पॉइंट का एक मतलब है, और वहाँ हर एक पॉइंट पे ध्यान लगाया जाता है। तो हर एक पॉइंट का अपना अपना विशेष महत्व होता है। ये जो घास की प्रजाति है, ये बांस जैसी दिखाई देती है, क्योंकि आपको पता भी होगा कि जो बंबू है वहाँ बांस को घास की प्रजाति में रख दिया गया है। चलते हैं अंदर की ओर, दिखाते हैं किस प्रकार से देखने को मिलता है। और ये यात्रा गार्डन में, या ये यहाँ पर ये जो फर्स्ट केंद्र है, ये जो यहाँ का जो केंद्र फर्स्ट पॉइंट बताया गया है हार्ट के पास में, यहाँ नीचे का ये इसको केंद्रित करता है। आइए यहाँ देखते हैं, समझते हैं। ये आप देख सकते हैं जो आपको समझ में आए। उसके बाद चलते हैं अंदर यहाँ की ओर। ये पॉइंट फर्स्ट है, इससे आप एंटर करेंगे तो ये रिंग टाइप का है। चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या यहाँ का महत्व है। यहाँ लोग बैठकर ध्यान लगाते हैं, और ध्यान लगाते हैं अपने पॉइंट, पहले फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, जो फर्स्ट पॉइंट होता है उस पर ध्यान लगाकर केंद्रित करते हैं, जिससे हमारी सभी इंद्रियां जागृत होती हैं। आइए देखते हैं कितना शांत नज़ारा है, देख सकते हैं आप ग्रीनरी। यहाँ का एक वाकई में जो माहौल है वो देखने योग्य है, आप देख सकते हैं यहाँ सब। ये जो अब देखिए इस प्रकार से गोल गोल करके ये निकलते हैं इस प्रकार से यहाँ से, ये फर्स्ट पॉइंट था। ये आप यहाँ से देखिए, इस प्रकार की आपने देखा नहीं होगा कहीं,
इस प्रकार की जो ये लगे हुए हैं ये आपने देखे नहीं होंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स प्लांट हैं यहाँ पर। ये रात में यहाँ का नज़ारा कुछ और ही होता है, और आप जैसे ही अंदर को आएंगे तो यहाँ देखने को मिलेगा ये फर्स्ट पॉइंट। ये फर्स्ट पॉइंट अपना हो गया है, अब सेकंड पॉइंट के लिए चलते हैं दूसरी तरफ। ये आप देख सकते हैं ये है डी पॉइंट, ये पॉइंट नंबर डी है, ये अपने ऋषियों को प्रदर्शित करता है। आइए चल के वहाँ देखते हैं किस प्रकार से पॉइंट टू पॉइंट बने हुए हैं। हर पॉइंट का बताया यहाँ कि हर पॉइंट का अपना अपना एक अस्तित्व है, अपना अपना महत्व होता है, तो हर पॉइंट को डिनाइड किया गया है। ये है पर बी पॉइंट, बी पॉइंट है। बी पॉइंट के बाद यहाँ देखिए आप, ये इसके पॉइंट से आप देख सकते हैं कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर है, ये किसको डिनाई कर रहा है। ये आप यहाँ के ये फ्लोवर देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से दिखाई दे रहे हैं आपको, और सारा गार्डन में आपको यहाँ। ये कैंपस की एक विशेष बात है, कैंपस में चारों तरफ आप अगर देखेंगे तो हरियाली हरियाली आपको दिखाई देगी, पूरा गार्डन हरा हरा है पूरा, कहीं भी आपको हाँ एक विशेषकर ये बात है, यहाँ आपको चारों तरफ सफाई मिलेगी। इतना बड़ा कैंपस है लेकिन सफाई के मामले में नंबर वन पे है। फिर भी आप देखना कि कहीं भी आपको छोटी सी भी जगह मिलेगी तो वहाँ प्लांट लगा मिलेगा, तो बहुत ही सुंदर बना हुआ है। आइए आपको और अंदर लेके चलते हैं। ये आपका गुड़हल का आपने देखा हुआ एक, देखिए कितना बेहतरीन लगा हुआ है। इस प्रकार के काफी काफी आपको देखने को मिलेंगे फ्लेवर। देखिए यहाँ पर ये है, काफी काफी तो देखा होगा, ठीक है। देख सकते हैं सेकंड पॉइंट, ये भी यहाँ बनाया गया है, यहाँ भी यहाँ से पानी निकलता है, शायद कुछ अच्छा ही बनाया गया है। बहुत ही सुंदर आपको देखने को मिलेगा, रात में यहाँ का नज़ारा बाकी में देखने योग्य होता है, बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पर देखने को मिलता है आपको। आइए चलते हैं अंदर, सबको यहाँ अपने अपने पॉइंट पे, जैसे वहाँ देख सकते हैं वो क्या कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, तो सब लोग यहाँ एक ऐसा वातावरण है जहाँ शांति का माहौल है और सब लोग अपना अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। कहीं ना कहीं पॉइंट टू पॉइंट बने हुए हैं आप देख सकते हैं। इसके बाद इस साइड दिखाइए कितना बेहतरीन नज़ारा देखने को मिल रहा है। यहाँ से चलते हैं अंदर की ओर, आप जहाँ भी आएंगे वहाँ एक नया देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर नीचे फ्लोर में किस प्रकार के वृक्ष बनाए गए हैं, ये पहली बार हमने इस प्रकार के वृक्ष देखे हैं। इस प्रकार के तो नॉर्मली सभी जगह होते हैं लेकिन ये कुछ खास तरीके से बनाया गया है। यदि बारिश का पानी अगर यहाँ गिरता है तो नीचे सॉइल या जमीन में चला जाएगा आसानी से, और यहाँ की जो पत्तियाँ वगैरह भी गिरती हैं वो कंपोस्ट नीचे बनके भूमि को ऑर्गेनिक खाद वगैरह या ओसन स्तर बना के देगी, जो कि प्रकृति के लिए एक लाभदायक है। यहाँ पर पूरा प्रकृति के देखते हुए ही बनाया गया है, यहाँ हर प्रकार के आपको जीव जंतु देखने को मिलेंगे। ये तो अपना गार्डन है, इससे बेहतरीन बेहतरीन कई प्रकार के आपको देखने को मिल रहा है। देखना ये देखिए कितना बेहतरीन देखने में, इतना सुंदर सुंदर है कि आपको अगर बताएंगे तो देखने में आपको अगर आना है तो काना शांति बनम ही आना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ये भी कितना ब्यूटीफुल है, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यहाँ तक कि अभी हम लोगों ने देखा था बादाम के पेड़ देखे थे काफी, ये है, इसकी खुशबू बहुत ही बेहतरीन रहती है। तो ये इस प्रकार से है, लाजवाब खुशबू है इनकी, व्हाइट कलर का होता है, इस व्हाइट कलर का देखा था, इस कलर का अभी पहली बार देख रहे हैं। और अंदर आइए देखिए, यहाँ पर जहाँ भी आप थोड़ा चलेंगे वहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स मिलेंगे। बताया था आपको हर उस पर आपको कहीं ना कुछ अलग देखने को मिलेगा। देखिए ये है, इस प्रकार से जानते तो नहीं है इसका नाम, लेकिन आप सभी लोग कमेंट करके बताइए क्या है। यात्रा गार्डन में यात्रा करने का लुक थी कुछ और है, यहाँ देखिए ये है डिफरेंट टाइप, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, ये लगता है सभी चीज जो यहाँ पर डिजाइन की गई है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट को प्रदर्शित करती है। चलते हैं इससे उस साइड की ओर, देखते हैं वहां क्या है। ये पॉइंट नंबर थ्री, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पॉइंट नंबर थ्री पे आ चुके हैं। अब इसके बाद आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार का नज़ारा है। यहाँ भी आपने देखना कि जैसे ही जो भी पॉइंट मिलेगा वहाँ कुछ नया देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये नए
फूल देखने को मिल रहा है। ये शायद हमारे यहाँ रेड कलर के ज्यादा देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ये जो प्लांट है यहाँ से नहीं बल्कि फॉरन विदेश से भी मंगाए गए हैं, कुछ है जो नर्सरी के रूप में लगाए गए हैं। यहाँ एक नर्सरी भी है जो बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल है, जो आपको दिखाएंगे। नर्सरी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, बहुत ही शानदार आपको नजारा यहाँ देखने को मिलेगा। वहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड काफी प्रकार की रिसर्च हो रही है, काफी प्रकार के टिश्यू कल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, काफी ऐसे टॉपिक है जिन पर वर्क किया जा रहा है। इस प्रकार से ये तीसरा पॉइंट यहाँ पर केंद्रित किया गया है। चलते हैं शायद वहां से यहाँ से घूम के है, इससे अच्छा शॉर्टकट यहाँ से चलते हैं। देखिए आप जैसे ही यहाँ आएंगे तो ये आपको सब जगह अगर देखने को मिलेगा तो ग्रीन मिलता है। इसको आप देखिए कलर कैसे देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये व्हाइट कलर का बोला था जो अपने यहाँ नॉर्मली देखने को मिल जाता है, व्हाइट कलर का और थोड़ा येलो कलर का। इसकी खुशबू वाकई लाजवाब होती है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ से चलते हैं। अब पॉइंट नंबर आता है ये 4, यहाँ से आ गया 4 पॉइंट नंबर, ठीक है। अब 4 पॉइंट केंद्रित किया गया है हृदय के ऊपर। ये आप देखिए ये 4 पॉइंट के यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए नजारा वाकई लाजवाब डेकोरेशन है, देखने में कितना बेहतरीन लग रहा है आप सब देख सकते हैं। और यहाँ पर इस प्रकार का आपने ये कभी देखा है, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। यहाँ हर चीज का एक ना एक कोई ना कोई सेंस है और हर जगह आपको एक नई चीज देखने को मिलेगी। तो हम आप सबसे कहेंगे अगर ज्यादा से ज्यादा आपको देखना है तो आपको यहीं हैदराबाद आना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ आप आएंगे तो आपको बाकी में एक ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा कि जो आपको कहीं और नहीं देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं बांस लगे हुए हैं, ये गुड़हल लगा हुआ है साइड, ओके, और अशोक लगे हुए हैं, अशोक के प्लांट है। उसके बाद अब आपको दिखाएंगे जो पॉइंट जो कि बहुत ही शानदार है। इसके बाद एक झरना दिखाएंगे आपको, जो कि आपको झरना दिखाई देगा वो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से उसको डिजाइन किया गया है। तो आपको ले चलते हैं, बस वो दिखाई दे रहा है वहां पर, तो घूम के चलते हैं उस साइड और आपको दिखाते हैं वहां का बहुत ही शानदार नजारा। आपको ऐसा लगेगा वहां बैठकर आप ध्यान करेंगे तो आपको लगेगा कि हम किसी प्राकृतिक झरने के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं वो भी पॉइंट। ये सब नेचुरल बिल्कुल एकदम प्रकृति के गोद में बनाया गया है। ये जब इसका स्टार्टअप किया गया था जब तो यहाँ बोलते बंजर जमीन थी, आज यहाँ पर देखिए तो स्वर्ग बनाया गया है निश्चित रूप से। तो पॉइंट नंबर 4, यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार की स्लाइडों के द्वारा ये प्राकृतिक झरना बनाया गया है। देखिए कितना सुंदर देखने में लगता है यहाँ पर स्लिप बाई स्लिप। इसी प्रकार के जो रैक हैं बड़े बड़े पानी तूफानों के कारण बनते हैं वो देखने को मिलते हैं, कितना सुंदर है। यहाँ पर आप देख सकते ये भी वही लगाए गए हैं जो आपको बताया था जो स्टार्टिंग में देखने को मिले थे। उसके बाद अंदर की ओर चलते हैं, ये सारा घूम के इसी साइड है। जैसा कि अभी तक आपने देखे ये पॉइंट देखा, झरना देखा, उसके बाद लेके चलते हैं 5 पॉइंट नंबर 5। ये 5 नंबर पॉइंट है जो कि माता शक्ति को प्रदर्शित करता है। इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं पॉइंट नंबर 5 में क्या खास है। यहाँ पर कुछ ऐसा दर्शाया गया है कि ये सैड लग रहा है, ये सैड है, ये लग रहा है जैसे कोई गम में हो। सिक्स पैक वगैरह तो बनाए हुए हैं इसके, बाकी ये गम में है। अगर आप 5वां करते हैं तो आप बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। ये माता आदि शक्ति भवानी, आप देख सकते हैं जूम करके दिखाइए, माता शक्ति को भी प्रदर्शित किया गया है, उनको मेरा सबको प्रणाम। और फिर इसके बाद चलते हैं 6 पॉइंट ये नंबर की ओर। यहाँ से लगता है 6 पॉइंट, यहाँ एक आप अगर घूमेंगे तो एक ऐसा चक्रव्यूह टाइप का है, उसके अंदर जाते जाएंगे अंदर होते जाएंगे, ऐसे ऐसे घूम घूम के आपको पता नहीं चलेगा। अब यहाँ से एक पॉइंट उस साइड गया है, ये किस साइड गया है, अब देखते हैं किस साइड चलते हैं, किस साइड चलना है, उस साइड या इस साइड।
तो अभी शायद देखते हैं कौन सा पॉइंट मिलता है। अभी तक तो क्रम से पॉइंट मिले हैं, लेकिन अब देखते हैं यहाँ कौन सा पॉइंट है और किसको प्रदर्शित करता है। ये जो रोड है, ये रोड ये शायद बाबूजी की जो स्टैच्यू है वो वाला रोड है शायद, ठीक है। अब यहाँ पर हल्की हल्की बारिश होने लगी है, हल्की हल्की। अब यहाँ से भी एक रोड गया है, एक यहाँ से रोड गया है। आप देखिए अभी यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर देखिए कुछ नया देखने को मिलेगा आपको। जहां भी आप आएंगे वहां कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। वहां दिखाइए वो भी कुछ नया है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप कहीं आएंगे तो आपको एक ही वैरायटी मिलेगी। हर जगह आएंगे देखिए इसका कलर थोड़ा अलग है, ये डला है। तो आप देखिए हर जितना भी आप चलेंगे उतना प्रकार को आपको इस गार्डन में देखने को मिलेगा। यहाँ पर इसकी ये विशेषता है। और ये देखिए आप जितना भी आप चलते जाएंगे उतना आपको देखने को मिलेगा डिफरेंट टाइप। इसकी खुशबू लाजवाब है। और यहाँ देखिए ये क्या है, अब इसका नाम पता नहीं है, सबको गूगल करना पड़ेगा क्योंकि ये अपने यहाँ खास तौर पर देखने को नहीं मिलता, कहीं बाहर से इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया गया है। और यहाँ अंदर भी बहुत सारे पेड़ हैं, आपको कहीं भी इस प्रकार की जगह नहीं देखने को मिलेगी कि वो ना हो। आप ये देखिए कितना खूबसूरत लाजवाब, ये देखिए नई चीज। आप जितना इसमें अंदर आएंगे उतने ही आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एक अच्छा वातावरण मिलता है और साथ में आपको यहाँ गर्मी महसूस नहीं होगी, बल्कि यहाँ तो बारिश हो रही है। अब पॉइंट नंबर 6 पर आ चुके हैं जो कि अपने यहाँ पर केंद्रित किया गया है। देखिए 6 नंबर चलते हैं इस साइड से। और हल्की हल्की बारिश भी होने लगी है और भीगते हुए बारिश का लुत्फ लेते हुए चल रहे हैं। आपको इस गार्डन को देखने के लिए जरूर आए। और देखिए यहाँ कुछ नया, आपको हर बार कुछ ना कुछ नया मिलेगा। इसके यहाँ आएंगे तो आपको लगता है अंदर मूर्ति है, अब देखते हैं, ऋषि की मूर्ति लगती है। अब देखिए यहाँ आइए, अब देखिए ये उसी प्लांट में है, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप्स है। तो ये सब इसमें भी खुशबू लाजवाब है। ये देखिए ऋषि मुनि और ये अपना NSS का लोगो जैसा बना हुआ है, जो रथ का पहिया होता है उस प्रकार से। अब यहाँ आएंगे तो सरस्वती माता जी की स्टैचू रखी गई है, जो कि विद्या की देवी सरस्वती माता जी को समर्पित है। पास में आएंगे तो वहाँ पानी आपको दिखेगा कि चल रहा है हल्का हल्का। अंदर आएंगे तो आपको लगेगा, देखिए यहाँ पर जैसे कंप्रेशन टाइप का हो रहा है तो यहाँ से पानी निकल रहा है। माँ देवी सरस्वती, विद्या की देवी सरस्वती माँ को मेरा प्रणाम। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट पॉइंट पर। अब इसके बाद हम यहाँ पिछली बार देखा था कि यहाँ राम दरबार है। ये पहले बुद्ध मिलेंगे, गौतम बुद्ध के बाद मिलेगा राम दरबार। तो ये गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा है, यहाँ पर केंद्र बिंदु पर बैठकर पॉइंटेड करते हैं और लगाते हैं ध्यान को। तो ये भी देखने के लिए है। और साथ में अब नया जहाँ भी आएंगे वहाँ डिफरेंट टाइप का मिलेगा, इसकी खुशबू और लाजवाब। उसके बाद चलते हैं डिफरेंट टाइप्स लोगर मिलेंगे आपको, ये देखिए विभिन्न विभिन्न प्रकार की देखने को मिलेगी। अब उसके बाद आ गए हैं जय श्री राम, राम दरबार। देखिए राम दरबार में आ चुके हैं। देखिए राम दरबार पुष्प चढ़ा सकते थे लेकिन इनको सुन लिया है, फोटो निकाल लो। जैसा कि आपने अभी तक राम दरबार देखा और देखते चलिए, और इतनी बारिश में आप सब के लिए वीडियो बना रहे हैं तो आप लाइक जरूर करें। ये देखिए यहाँ पर भी कुछ नया देखने को मिलेगा आपको।
जितना आप चलते जाएंगे उतना आपको नया देखने को मिलेगा। ये दसवां पॉइंट ये यहाँ को डिनोट कर रहा है, बता रहा है आपको। ये देखिए बाबूजी की, हाँ प्रतिमा, प्रणाम। देख सकते कितनी सुंदर स्टैच्यू बनाई गई है। बाकी में यहाँ जितना भी जो कुछ बनाया गया है वो लाजवाब तरीके से बनाया गया है। कोई अपना अपना कुछ ना कुछ करते आपको यहाँ दिखेगा एक्टिविटी। देखिए कमल, ठीक है, ये कमल कितना बेहतरीन छोटे से उसमें लगाया गया है। ये 11 पॉइंट लगता है मीरा भाई के नाम पे समर्पण किए गए। मीरा भाई है ना जी, ये आप देख सकते हैं। ये भी आपको नया देखने को मिलेगा, इसकी लीफी, ये लीफ आपको इस प्रकार की देखने को नहीं मिलेगी। हल्की हल्की बारिश हो रही है, बारिश का लुक ले रहे हैं। ये शायद इसमें दाब कलम विधि का उपयोग किया गया है। ये देखिए इसमें किया गया था जो कुछ प्लांट ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया गया, गूटी विधि भी किसे कहते हैं एग्रीकल्चर में। ये देखिए कुछ नए इसमें फ्लो आने वाले हैं, फूल वगैरह आपको हर चीज यहाँ देखने को मिलेगी, वो भी खूबसूरती के साथ, प्रकृति नेचर के साथ। ये इतना बड़ा हर चीज एक एक पॉइंट का यहाँ महत्व है, और इतना बड़ा बनाने में कहीं ना कहीं किसी ना किसी का बहुत बड़ा योगदान है। ये देखिए ये कालों के काल, यमराज जी की है। प्रणाम, देख सकते हैं यमराज जी हैं, इनको मेरा प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। इनको भी कवर करना जरूरी है अपने, समझ रहे हो आप लोग। उसके बाद यहाँ आए, ये शायद 13वां पॉइंट है। 13वां पॉइंट नीचे की ओर है, डिनोट टू नीचे। ये 13वां पॉइंट है, आइए इसको भी कवर करते हैं। कुछ लगता है वीआईपी होगा, जब तो सब लोग जा रहे हैं। ये देखिए ये वहाँ फूल लगा हुआ है, दिखाइए कितना बेहतरीन फूल है। यहाँ क्या है, तालाब में, तालाब है क्या? देखिए कितना बेहतरीन देख रहा है, यहाँ क्या है। चलते हैं देखते हैं। यहाँ पर ऊपर देखिए इसमें फूल आ चुके हैं। यहाँ चप्पल सब कोई रख रहा है, कुछ खास लगता है यहाँ। वाह, अरे जहाँ सबको ढूंढ रहे थे यहाँ है बाबूजी। देखिए चप्पल को उतार दो। ये जो मूर्ति बनाई गई है ये इसलिए नीचे बनाई गई है क्योंकि जो यहाँ से एरोप्लेन निकलती थी तो उन्होंने मना कर दिया था कि इतनी बड़ी स्टैच्यू ऊपर नहीं बना सकते आप, तो इसलिए इस प्रकार से करके नीचे बनाई गई है। देखिए यहाँ ध्यान करने और आध्यात्मिक का कुछ अलग ही महत्व होता है। देखिए आप कितना सुंदर तरीके से दर्शाया गया। आइए नीचे देखते हैं क्या है सब। यहाँ रात के टाइम पे लाइट जब जलती है तो और बेहतरीन सुंदर दिखाई देती है। आप देख सकते हैं अभी कितना सुंदर नजारा है। जी,
जवाब नहीं है और अभी तक आवाज़ नहीं देखी थी, अभी साउंड देखा, कुछ गूंज रही थी। तो यहाँ पर माइक लगाया है, अब देखते हैं किस प्रकार से आवाज़ आती है। तो आप पर देखते रहिए वीडियो को, लाइक कर कितने सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। चलते हैं, जैसा कि अभी तक आपने वीडियो में देखा किस प्रकार से हमने आपको ये सारा भ्रमण कराया। और अब ये लास्ट पॉइंट था, इसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं। कैमरामैन समर्थ के साथ मैं आशीष मिश्रा।